गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नुसरत बानू, शासकीयपुर माध्यमिक शाला नकटा, संकुल मंदिर हसौद, विकासखंड आरंग से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं के गणित में अध्याय 8 सर्वांग समता के बारे में। बच्चों, हमने सर्वांग समता का भाग 1 पढ़ा हुआ है। सर्वांग समता क्या होती? ऐसी दो समान आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है तथा इस गुण को हम सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता को हम बराबर के चिन्ह के ऊपर एक सर्पाकार चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए, दो पत्तियां दिख रही है, दोनों बराबर आपको दिख रही है। हम एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती को रखेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी, तो ये क्या कहलाएंगी पत्तियां? सर्वांग सम है। हमने भाग 1 में ज्यामिति में सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है। आज हम भाग 2 में त्रिभुजों में सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, त्रिभुज क्या होती है? आप सभी जानते हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता की। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं एवं तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं तीनों संगत कोणों के बराबर हूं, तो वे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए, चित्र दिख रहा आपको, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। यहाँ पे देखिए, भुजा AC बराबर भुजा DF बराबर कितना है? दोनों में 6-6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएंगी? सर्वांग सम हो जाएंगी, समान है दोनों भुजा। फिर देखिए, दूसरी भुजा देखिए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा EF बराबर भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी भुजा समान है। तीसरी भुजा देखिए, AB बराबर DE बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखिए, ये भी भुजा समान है, तो दोनों त्रिभुज में क्या है? तीनों संगत भुजाएं समान है। हमें पता है तीनों संगत भुजाएं समान है, तो तीनों संगत कोण भी समान होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। क्या मतलब हुआ कि तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण, तीनों भुजाओं के संगत कोण तथा संगत भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब हम बात करते हैं भुजा 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 सर्वांग समता नियम, अर्थात त्रिभुजों में सर्वांग समता के नियम है। तो पहला नियम है आपका भुजा 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 सर्वांग समता नियम। नाम से स्पष्ट है, भुजा 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 अर्थात तीनों भुजा, एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के समान हों, तो क्या होंगे वो त्रिभुज? सर्वांग सम होंगे। या फिर हम इस तरह से कहें, किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग समता होने के उस गुण को हम भुजा 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 सर्वांग समता कहते हैं, तथा संक्षेप में, शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं भू 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 सर्वांग समता नियम, अर्थात भुजा भुजा भुजा। यहाँ पे देखिए, चित्र में त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज JKL है, देख रहे हैं आप? यहाँ पे देखिए, भुजा PR बराबर भुजा KL दोनों कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर के हैं, अर्थात दोनों भुजाएं समान है। फिर देखिए, भुजा PQ बराबर भुजा JL कितने हैं? 6-6 सेंटीमीटर हैं, तो ये भी भुजा समान है। अब देखिए, तीसरी वाली भुजा QR बराबर JK बराबर 4 सेंटीमीटर, ये चार दोनों में सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे? तीनों संगत भुजाएं समान है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज JKL। अब हम बात करते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम। नाम से समझिए आप पहले इसको, भुजा कोण भुजा अर्थात दो भुजा तथा एक कोण, दो भुजा और एक कोण। यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं एवं उनके बीच का कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तथा इस सर्वांग समता को हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कहते हैं, या फिर संक्षेप में हम कहें भू को भू सर्वांग समता नियम, अर्थात दो भुजा व एक कोण
किसी भी त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा व एक कोण के समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। यहाँ पे देखिए चित्र में, चित्र त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज UVW। यहाँ पे आप देखिए भुजा DF बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा भुजा UV बराबर भी 5.5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। तथा भुजा देखिए DE बराबर भुजा UW कितने हैं, 7 सेंटीमीटर हैं, अर्थात ये भी भुजाएं समान हैं, दो भुजाएं समान हो गई। अब देखिए कोण FDE बराबर 40 अंश तथा कोण WUV बराबर 40 अंश, अर्थात एक कोण समान है। तो ये जो नियम है भुजा कोण भुजा नियम इस चित्र पर लागू होता है। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज UVW। अब हम बात करते हैं बच्चों कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। आप नियम के शब्दों पे जाइए, पहले कोण भुजा कोण अर्थात दो कोण तथा एक भुजा समान हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के समान हो तथा पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अर्थात दो कोण व एक भुजा। सर्वांग समता के इस गुण को हम कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, यहाँ आप देख रहे हैं भुजा BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा भुजा RQ बराबर भी 4 सेंटीमीटर है, अर्थात एक भुजा समान है। अब देखिए कोण ABC बराबर 60 अंश तथा कोण PQR बराबर भी 60 अंश है, एक कोण समान हो गया। अब देखिए कोण ACB बराबर 50 अंश तथा कोण PRQ बराबर 50 अंश, ये भी कोण समान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक भुजा तथा दो कोण समान है तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, अर्थात दो कोण समान है व एक भुजा समान है तो इसमें कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम लागू होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों समकोण कर्ण भुजा नियम। सर्वांग समता के तीनों नियम सभी त्रिभुजों पर लागू होते हैं, परंतु समकोण कर्ण भुजा नियम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं हम कि एक कोण 90 अंश का होता है। तो सर्वांग समता का ये जो नियम है सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होगा। समकोण कर्ण भुजा नियम क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता के इस गुण को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR दोनों समकोण त्रिभुज हैं, जिनके एक कोण 90 अंश के हैं। कोण ABC बराबर कोण PRQ बराबर 90 अंश। अब देखिए भुजा BC बराबर भुजा QR 3 सेंटीमीटर तथा कर्ण AC और PQ बराबर 5-5 सेंटीमीटर हैं। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। बच्चों आशा है आपको सारे नियम समझ में आए होंगे। बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने गृह कार्य बनाया है आप लोगों के लिए। पहला है नीचे दिए गए त्रिभुजों को देखकर बताइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF है या नहीं, कारण भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि दी गई आकृति में AB बराबर AD तथा कोण BAC बराबर कोण DAC है तो क्या त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC है, यदि हाँ तो क्यों। बच्चों आशा है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आप अपना गृह कार्य करेंगे और अपने साथियों को भी गृह कार्य करने को कहेंगे। धन्यवाद।